अगली खबर में बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां जिलाधिकारी नेहा जैन के निर्देशानुसार जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की कार्य योजना के अनुसार महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्तिकरण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के प्रति जागरूकता हेतु जनपद के विद्यालयों, महाविद्यालयों, तहसील मुख्यालयों, विकास खंड मुख्यालयों, नगर पंचायत मुख्यालयों, न्याय पंचायत मुख्यालयों, कलेक्ट्रेट, विकास भवन आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कैंप गोष्ठी का आयोजन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ साथ विभाग की सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जाना है, जिसके क्रम में आज जनपद के चंद्र प्रभा शर्मा महाविद्यालय रसूलाबाद, भाभा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ओनहा रसूलाबाद, झाऊलाल महिला महाविद्यालय रसूलाबाद, श्री कृपा शुक्ला पुत्तीलाल महातिस्ती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित विभाग के कर्मचारियों द्वारा महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। वन स्टॉप सेंटर एवं बाल संरक्षण सेवाओं के कर्मियों द्वारा छात्राओं को सशक्तिकरण हेतु जागरूक कर सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं हेतु जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को देते हुए बालिकाओं को आत्म सुरक्षा की जानकारी दी गई एवं विस्तृत चर्चा करते हुए आपातकालीन सेवाएं जैसे 181, 1090, 112, 1098, 1076 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया तथा महिलाओं, किशोरियों को पॉक्सो कानून तथा इसके दंड की जानकारी दी गई, जिसमें बालिकाओं को बाल विवाह के विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में शोभा शारदा साहू, अनीता यादव तथा वन स्टॉप सेंटर से विद्या उत्तम, नेहा पाल, लक्ष्मी देवी तथा विद्यालयों के अध्यापक स्टाफ आदि उपस्थित रहे। Thank you.